अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा सवाल है कि जैसे कि कब्रिस्तान है यहाँ हमारे शहर में, मतलब कब्रिस्तान कभी हुआ करता था आज से लगभग, मैं जितना सुन रहा हूँ कि 100 साल पहले, जिसको परमानेंटली बंद कर दिया गया है, जिसका 70% पार्ट में मार्केट कॉम्प्लेक्स बना दिया है वक्फ बोर्ड ने, और 30% जो पक्का कवर था उसमें मजार वगैरह बना दिया है, तो मतलब कम्प्लीटली डेवलप हो गया है, कुछ पार्किंग है, कुछ दुकानें हैं और कुछ कब्रें भी हैं, लेकिन वहां पर कब्रिस्तान में दफन करना अभी कम्प्लीटली बंद हो चुका है और उसको डेवलप कर दिया गया है। तो मेरा सवाल है कि वहां पर दुकान जो बना हुआ है, वहां पर दुकान लेना जायज है या नहीं? अगर ये आपकी तरफ से अगर फतवा है कि लेना नहीं लेना मुस्तहब है या नहीं लेना ही नहीं चाहिए, या कैसा इसमें मतलब हमारा शरीयत बोलता है? देखिए, इसमें दो मसले हैं, दोनों को अलग अलग समझें तो फिर कंप्लीट सवाल का जवाब हो जाएगा। पहला मसला ये है कि कोई कब्र है, वो कब्र बहुत ज्यादा पुरानी हो गई है, इतनी पुरानी हो गई है कि अब उसके अंदर जो मुर्दा दफन किया गया था उसके बाकियात भी मौजूद नहीं है। इतनी पुरानी कब्र हो गई है कि उसके बाकियात अब मौजूद नहीं है, किसी चीज का कोई वजूद नहीं है। तो क्या ऐसी सूरत में उस जगह का किसी दूसरी चीज में इस्तेमाल करना जायज है कि नहीं? जी, इसका सही जवाब यह है कि ऐसी सिचुएशन में उस जगह का दोबारा इस्तेमाल करना यह जायज है। दोबारा आप चाहे कब्र के लिए इस्तेमाल करें या किसी और चीज के लिए इस्तेमाल करें, जब उसमें बाकियात नहीं बची हैं तो उसका दोबारा इस्तेमाल करना जायज है। आप मदीना के अंदर देखेंगे बकी का जो कब्रिस्तान है, अगर जो लोग वहां गए हैं उन्होंने देखा होगा, हालांकि उसका एरिया बहुत बड़ा है, लेकिन फिर भी जिस तरह से कसरत के साथ वहां तदफीन होती है, तो बहुत दिनों के बाद, बहुत जमाने के बाद जो पुरानी कब्रें हैं उन पुरानी कब्रों में दोबारा फिर उन जगहों पर दोबारा तदफीन की नौबत आती है और तदफीन की जाती है। और वो इसीलिए कि जब कब्र में उसकी बाकियात नहीं बची हैं तो उस जगह का दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। ये एक मसला हुआ जी। दूसरा मसला ये है कि जो कब्रस्तान है वो कब्रस्तान या तो कब्रस्तान के लिए वक्फ होगा या तो वो किसी की खास प्रॉपर्टी होगी। जी, खास प्रॉपर्टी का होने का मतलब यह है कि मैंने मिसाल के तौर पर अपनी जमीन में दफनाने की इजाजत दे दी है लेकिन मैंने जमीन को वक्फ नहीं किया है। जी, और एक सूरत यह है कि मैंने वक्फ कर दिया कि भाई ये मेरी जमीन है, ये मुसलमानों के लिए वक्फ है, इसमें आप लोग तदफीन कीजिए, या कब्रस्तान के लिए मैंने वक्फ किया। अगर वो जमीन कब्रस्तान के लिए वक्फ है तो बाद में बहुत जमाना गुजरने के बाद जब उसमें मैयत के बाकियात नहीं बचे हैं और उनका उसका दोबारा इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसका दोबारा इस्तेमाल अपने जाती मसलहत में नहीं कर सकते। जी। बल्कि क्यों नहीं, इसलिए नहीं कि वो कब्रस्तान है, इसलिए नहीं कर सकते कि आपने उसको वक्फ कर दिया है, और जब आप उसको वक्फ कर दिए तो अब वो जिस चीज के लिए आपने वक्फ किया है उसी चीज में उसका इस्तेमाल होगा, किसी और चीज में उसका इस्तेमाल नहीं होगा। लेकिन अगर आपने वक्फ नहीं किया हुआ है, आपकी जाती प्रॉपर्टी है वो, तो जब बाकियात नहीं रह गई तो आप उसका इस्तेमाल दूसरे काम में भी कर सकते हैं, बतौर कब्र भी कर सकते हैं, किसी और चीज में भी कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रहना चाहिए कि उसमें कुछ भी बाकियात ना हो। तब देखिए, बाकियात मौजूद है या नहीं उसका तो श्योरिटी हम दे नहीं सकते, लेकिन हमारा अंदाजन ये है कि वहां पे वाकियात मौजूद नहीं है, ये एक बात मेरा कहना है। और दूसरा कहना मेरा ये है कि उस जगह में जो आप बोलते हैं ना वक्फ किया हुआ है या मतलब टेम्परेरी इस्तेमाल के लिए दिया गया था, उसका तो डेटा मौजूद नहीं है क्योंकि वक्फ बोर्ड ने खुद बनाकर उसको रेंट में दे रहे हैं, मैं खरीद नहीं रहा हूँ, उसको रेंट में दे रहे हैं। अगर वक्फ बोर्ड उस पर उसको डेवलप करके रेंट पे दे रही है, इसका मतलब वो जमीन वक्फ बोर्ड की है जी। और जब वक्फ बोर्ड की है तो वक्फ बोर्ड के जो जिम्मेदारान हैं वो इस बात का फैसला करेंगे कि उस जमीन का बेहतर इस्तेमाल क्या हो सकता है जिससे कि वक्फ को फायदा हो।
यहाँ तक कि जिस मकसद के लिए जमीन वक्फ की गई है, अगर बाद में जमाना गुजरने के बाद वक्फ बोर्ड को यह लगता है कि इसका दूसरा इस्तेमाल करने में ज्यादा फायदा है तो उसको उसका दूसरा इस्तेमाल भी वो लोग कर सकते हैं, लेकिन इस उसी सूरत में जब उनको लगे कि दूसरे इस्तेमाल में ज्यादा फायदा है। तो आपकी गुफ्तगू से ये अंदाजा हो रहा है कि वो जमीन वक्फ बोर्ड की है, जब वो वक्फ बोर्ड के कब्जे में है तो वक्फ जाहिर है वो जमीन वक्फ रही होगी। तो अब जाहिर है वक्फ बोर्ड वाले जो है कोई दूसरा आदमी उस पर कब्जा नहीं कर सकता, वक्फ बोर्ड उसका जैसे चाहे मुसलमानों की मसलहत में उसका इस्तेमाल कर सकती है। जी, जज़ाकअल्लाह खैर।